मैं जीत दुलकिया और आप देख रहे हैं इट्स टुमारो न्यूज। भारत में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। असम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कि यहाँ के 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कोरोना वायरस के काल के दौरान असम में इस तरह बाढ़ आना काफी खतरनाक माना जा रहा है। इस बीच राज्य मंत्री रविवार को चिरांग जिले में पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य मंत्री के इस दौरे के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद थे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ की सबसे ज्यादा मार धेमाजी जिले पर पड़ी है, उसके बाद बारपेटा और लखीमपुर बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित अन्य जिले चराईदेव, विश्वनाथ, बक्सा, नलबारी, चिरांग, बोंगाईगांव, कोकराझार, ग्वालपारा, मोरीगांव, नगांव, गोलघाट और तिनसुकिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि 20 जिलों में बाढ़ के कारण 6,02,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं। राज्य में कुल 11,009 गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 46,082 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल डूब गई है। तो दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसमें कहा गया है कि 3 जिलों में SDRF, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने 1,046 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जिला प्रशासन के 8 जिलों में 171 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां इस समय 6,531 लोग शरण लिए हुए हैं। नेपाल में हो रही इस बारिश से बिहार की 10 नदियां उफान पर है। इनमें से कई नदियां तो लगातार खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। बिहार में जो नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उनमें गंडक, कमला बलान, भूतही, बागमती, ललबिकिया, अधवारा, घाघरा, खांडो और महानंदा शामिल है। इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण कोसी इलाके और सीमांचल एरिया में कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। गंडक नदी की बात करें तो दियारा के निचले इलाके में तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। इसको लेकर जिला बेतिया में जिला मुख्यालय में जहां कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहीं DM ने तटबंधों की सुरक्षा की तैयारी का औचक निरीक्षण कर पदाधिकारियों को हर पल नजर बनाए रखने का निर्देश जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। नेपाल के पोखरा, भैरवा, भरतपुर क्षेत्रों का पानी गंडक बैरेज से ही आता है, जहां भारी बारिश हुई है, लेकिन दोपहर बाद में पानी छोड़ने की मात्रा करीबन 2 लाख क्यूसेक हो गई है, जो राइजिंग स्थिति में है। इससे समीप पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा खतरे की आशंका बढ़ने लगी है। गंडक का जलस्तर बढ़ते देख समीप पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जो सोती पहले सूखा रास्ता था, आज ऊपर 4 फुट पानी बढ़ रहा है। एकाएक मूसलाधार बारिश होने से बैरेज से पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ने लगी है। वहीं दोनों दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण शांत पड़े गंडक का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहीं उत्तर बिहार के लिए सबसे खतरनाक कोसी नदी भी उफान पर है। सुपौल में पिछले 2 दिनों से कोसी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। तटबंध के अंदर बसे लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर चंपारण में वाल्मीकि नगर बैरेज से 2,051 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद गंडक का दबाव पिपरासी तटबंध पर पड़ गया है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। मनाली कन्याल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर देर रात बादल फट गया। बादल फटने से कन्याल नाले में बाढ़ आ गई। इससे कन्याल नाले के आसपास की सड़कों पर खड़े वाहन बाढ़ में मलबे की तरह दब गए। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सभी वाहनों के मलबे से निकाला गया। हालांकि नाले में आई बाढ़ से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। SDM मनाली रमन घरसंगी ने कहा कि लोगों को भारी बारिश के लिए अलर्ट किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिला में बीती रात जमकर बारिश हुई थी। बारिश से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही मनाली कन्याल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर बादल फट गया। इससे अचानक कई पहाड़ी नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन संभावित खतरे को देखते हुए राहत संबंधी काम में जुट गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल इस टुमारो न्यूज के वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।